दोस्तों संजय कंपटीटर हब का आपको स्वागत है। आज मैं एक नया चैप्टर लेकर आया जिसमें है जो बुक्स एंड ऑथर्स, जो इसके बारे में एग्जाम से बहुत आता है, जो मैंने लिया बहुत ट्रेडिशनल बुक्स एंड न्यू बुक्स एंड इंटरनेशनल बुक्स जो कि एग्जाम में वो रिपीटेड होता है। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। वो पहले है, मैं बुक के साथ इसका इमेज भी लिया क्योंकि बच्चों लोग को इजी होकर याद करने के लिए। पहले कार्ल मार्क्स का लिखा हुआ दास कैपिटल, दास कैपिटल है कार्ल मार्क्स का, वो देखो इसका इमेज भी लिया, आपको याद रहने का इजी होगा। ठीक है, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वो भी कार्ल मार्क्स का लिखा हुआ है। कार्ल मार्क्स का दोनों बुक है, तो दास कैपिटल एंड द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसका इमेज भी देख के आपको याद कर लीजिए। इसको दांते, दांते क्या लगता है, डिवाइड कॉमेडी। ओके, इसका इमेज भी देखिए, दांते द डिवाइड कॉमेडी। इसके बाद प्लेटो लिखे थे क्या, द रिपब्लिक, प्लेटो द रिपब्लिक। लियो टॉल्स्टॉय द वार एंड पीस, लियो टॉल्स्टॉय द वार एंड पीस। एडम स्मिथ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ लिखे थे ना वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशन, ये इसका इमेज देख लीजिए। इसके बाद आर के नारायण मालगुडीज, आर के नारायण का द्वारा लिखित एक बुक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मालगुडी डेज, इसका इमेज भी याद कर लीजिए। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी के साथ वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसके रामचंद्र गुहा इंडिया आफ्टर गांधी, वो लिखे थे इंडिया आफ्टर गांधी, रामचंद्र गुहा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को अच्छे लगते हैं तो आप लोग इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए और पढ़ाई कीजिए, और आपका अच्छा लगते तो आप भी आप लोग आपका दोस्त के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलते फिर नेक्स्ट देखिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, द डिवाइड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखित है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बारह बुक, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। इसके बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी तो बहुत सारे बुक लिखे हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट दोनों है वो माइंड ट्रूथ द एक्सटर्नल इंडिया, ये इमेज भी है। अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन द अग्रोमेटिव इंडिया। ए पी जे अब्दुल कलाम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, द मिसाइल मैन क्या है ना, विंग्स ऑफ फायर इंडिया 2020 इग्निटेड माइंड्स। ये देखो इसका भी मैं इमेज दिया, इमेज को देख के भी आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इमेज भी देखो अभी इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद आया मेगास्थिनिस, मेगास्थिनिस शब्द लिखा था ना इंडिका, इंडिका जो मुंडक उपनिषद से आया है, वो बहुत बार एग्जाम आते हैं इंडिका किससे, कौन लिखे थे ना मेगास्थिनिस और किस उपनिषद से आया है, वो क्या है ना इंडिका मुंडक उपनिषद। इसका आर्यभट्ट, आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्ट का लिखा था सूर्य सिद्धांत। इसके बाद विशाखा तत्व मुद्रा राख्यास, ये देखिए पूरा इमेज देखे आप लोग को याद कीजिए, बस वीडियो को दो तीन बार देखिए ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। विशाखा दत्त मुद्रा राख्यास, अमर सिंह अमर कुशो, विष्णु शर्मा पंचतंत्र, बहुत बढ़िया है। इसके बाद वात्सायन कामसूत्र, कौटिल्य, वात्सायन कामसूत्र कौटिल्य अर्थशास्त्र, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कौटिल्य का द्वारा लिखित अर्थशास्त्र। अश्वघोष, अश्वघोष बुद्ध चरित्र, अश्वघोष का जो लिखित है वो बुद्ध चरित्र। बराहमीर, बराहमीर का द्वारा दोनों बुक है, वो है क्या है ना द बृहत संहिता एंड द पंचतंत्रिका, बृहत संहिता एंड द पंचतंत्रिका, दोनों इमेज भी दिया है देख लीजिए। ये चरक, चरक लिखा था चरक संहिता, चरक चरक संहिता। कालिदास, कालिदास के द्वारा बहुत सारे बुक लिखा हुआ है, वो बहुत एग्जाम में जो रिपीट होता है। ठीक है दोस्तों, ये सब मैं इमेज के वाइज लिया भी, आप लोग भी देख लीजिए इसको, या इमेज भी याद कीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके पूरा आप देखिए। अभी अभिज्ञान संकुतड़ा जो देखा है, इमेज भी लिया है मैंने अभिज्ञान संकुतड़ा, ये है देखो इमेज इसका। इसके बाद क्या है ना विक्रम भाष्यम, ये है इसका इमेज। इसके बाद रघुवंश, इसके बाद मेघदूत, कुमार सभम, इससे बहुत इंपॉर्टेंट वो तो कालिदास बहुत सारे बुक लिखे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो लिखा हुआ है मेघदूत, अभिज्ञान संकुतला, रघुवंशम, कुमार सम्भव। ठीक है, इसके बाद आता है पाणिनी, पाणिनी ने क्या लिखा था ना अष्टाध्यायी, पाणिनी अष्टाध्यायी, ऐसे याद किया पाणिनी अष्टाध्यायी, वो देखिए इसका इमेज भी मैं दिया।
तो जयदेव गीता गोविंद तो सबको मालूम होगा, जयदेव गीता गोविंद देखो इसका इमेज है। फिरदोसी शाहनामा, फिरदोसी शाहनामा। इसके बाद तुलसीदास, तुलसीदास बहुत सारे बुक लिखा हुआ है, लिखे हैं वो जैसे कि विनय पत्रिका, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, तुलसी दोहा, दोहावली। ठीक है, मैं इसका इमेज लिया है, आप देखिए, आप इसका इमेज भी देख लीजिए अच्छे से, वीडियो को पॉज करके इमेज देखिए। तुलसीदास विनय पत्रिका, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, तुलसी दोहावली। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलिए आगे 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 चलिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुक्स लिया है जो एग्जाम में बहुत रिपीट होते हैं, जो ट्रेडिशनल बुक है, जो नया बुक्स है, जो जो न्यू न्यू इंपॉर्टेंट ऑथर है उनका बुक। ठीक है, इसका भास्कर, भास्कर टू लिखे लीलावती, भास्कर टू लीलावती। इसके बाणभट्ट कादम्बरी, बाणभट्ट कादम्बरी, हस्तचरित, रत्नावली, ये तीनों बुक है। बाणभट्ट का तीनों बुक है क्या क्या ना, कादम्बरी, हस्तचरित, रत्नावली। देखिए पतंजलि, पतंजलि ने महाभाष्य, पतंजलि ने लिखा था महाभाष्य, वो इमेज भी देखिए। बिरसेना नवरत्न, बिरसेना नवरत्न, इसका इमेज नहीं मिला इसीलिए नहीं लिखा मैंने, बिरसेना नवरत्न। कल्हणा राजतरंगिणी, कल्हणा राजतरंगिणी। ठीक है दोस्तों, भारत, भरत और भतृमुनि, जिसको भरत बोलते हैं और भतृमुनि बोलते हैं, वो लिखा है नाट्य संस्था, नाट्यशास्त्र कम लिखा है ना, भरत भतृमुनि। अबुल फजल, अबुल फजल तो जो इम्पोर्टेंट बुक लिखे है वो दोनों को देखिए, अकबरनामा और आइन अकबरी, ये देखो इमेज दिया है मैंने, दो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अकबरनामा बहुत एग्जाम में आता है, अब्दुल फजल का अकबरनामा। बाबर, बाबर ने बहुत बढ़िया बुक लिखा था, इस देखिए बाबरनामा, बाबर, बाबरनामा। बेलगम बेगम ह्यूमन नामा, जो बेलगम बेगम बुक लिखे थे वो ह्यूमन के ऊपर, जो ह्यूमन है ह्यूमन का ऊपर बुक लिखे थे वो ह्यूमन नामा। स्वामी दयानंद सरस्वती, ये बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक लिखे थे, देखिए मैं पूरा दे दिया इसका इमेज के साथ, आप लोग पूरा इसको नोट डाउन कर दिए। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती, श्रीमद भगवद गीता, सत्यत प्रकाश, द वैल्यू ऑफ वैल्यूज, ये बहुत सारे बुक लिखे, लेकिन मैंने तीनों लिया है, जैसे श्रीमद भगवद गीता, सत्यार्थ प्रकाश, द वैल्यू ऑफ वैल्यूज। इसके बाद रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर तो पहला आदमी है जो नोबेल जीते थे 1913 में, इसके बारे में देखिए, रविंद्रनाथ ठाकुर गीतांजलि, रविंद्रनाथ ठाकुर गीतांजलि, वो इसी बुक के लिए, वो पोएम कलेक्शन की बुक है, इस गीतांजलि के ऊपर वो इसको नोबेल मिले थे 1913 में। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी बहुत सारे बुक लिखे हैं भाई, उनका जो एग्जाम में आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने लिया है, क्या क्या ना, यंग इंडिया, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज को भी बोला जाता है हिंदी में, इंग्लिश में इंडिया होम रूल्स, इसके बाद माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मैं तीनों बुक लिया है बस, क्या क्या ना, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हिंद स्वराज और यंग इंडिया। और एक लिखे है वो बुक में लिखा, लिखा नहीं इधर लिखने की, लेकिन इमेज में है, वो है पथे टू गॉड, पथे टू गॉड, वो गांधी के द्वारा लिखे थे। अरविंद घोष, अरविंद घोष एक बढ़िया किताब लिखे, वो है द लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष द लाइफ डिवाइन। अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद, वो लिखा क्या है ना, इंडिया विंग्स फ्रीडम, इंडिया विंग्स फ्रीडम, इंडिया विंग्स फ्रीडम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड। प्रेमचंद गोदान, प्रेमचंद गोदान, निर्मला गोवन। इसके बाद आर वेंकटरमन, आर वेंकट, माई प्रेसिडेंटल ईयर्स, आर वेंकटरमन के द्वारा लिखित है माई प्रेसिडेंटल ईयर्स। इसके बाद नारायण पंडित, नारायण पंडित ने हितोपदेश, नारायण पंडित के द्वारा लिखित हितोपदेश। विक्रम सेठ, विक्रम सेठ वो क्या, सुइटेबल बाय द गोल्डन गेट एंड इक्वल म्यूजिक, जो मॉडर्न, मॉडर्न अभी का जो राइटर्स है, ऑथर है, वो है विक्रम सेठ, वो क्या लिखा था ना, सुइटेबल बाय द गोल्डन गेट एंड इक्वल म्यूजिक। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद द्वारा बहुत सारे बुक लिखा हुआ है,
लेकिन इससे जो इम्पोर्टेंट है वो लिखा है माई मास्टर द ईस्ट एंड द वेस्ट द कम्प्लीट होमवर्क द कम्प्लीट वर्क द कम्प्लीट वर्क लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोरा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद क्या क्या लिखा है ना, द माई मास्टर द ईस्ट एंड द वेस्ट कम्प्लीट वर्क लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोरा। राजगोपालचारी वह है महाभारत रामायण एंड उपनिषद। बहुत राजगोपालचारी बढ़िया बुक जो लिखे तीनों न क्या न सी राजगोपालचारी ने महाभारत रामायण उपनिषद। चेतन भगवत जो मॉडर्न राइटर है, चेतन भगवत का सबसे मोस्ट वैल्यूबुल एंड इम्पोर्टेंट बुक है हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड वन इंडियन गर्ल। बहुत बुक लिखे है, वो बहुत सारे बुक लिखे लेकिन मैं इम्पोर्टेंट जो बुक लिया है हाफ गर्लफ्रेंड वन इंडियन गर्ल द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। जो हाफ गर्लफ्रेंड के ऊपर भी एक मूवी बना है, वो मूवी जो दिखाई है वो बहुत बढ़िया है। ठीक है, प्रतिभा राय, प्रतिभा राय जाग्ञसिनी वो उड़ीसा का है, प्रतिभा राय जाग्ञसिनी आदिभूमि शिलपद्म। रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड दिल्ली इज नॉट फेयर द नाइट रेन एट देवली द ब्लू अम्ब्रेला। पूर रस्किन बॉन्ड का सबसे इम्पोर्टेंट है द क्या है ना, दिल्ली इज नॉट फेयर, बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। ठीक है, अरुंधति राय, अरुंधति राय का द्वारा दूसरे द गॉड ऑफ माई स्मॉल थिंग्स, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट बुक्स है द गॉड्स ऑफ माई स्मॉल थिंग्स। ठीक है दोस्तों, अरविंद आदिग्या, अरविंद आदिग्या जो अरविंद आदिग्या सबसे इंपॉर्टेंट बुक है जो व्हाइट टाइगर्स, व्हाइट टाइगर्स बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में बहुत बार आता है। द लास्ट मैन इन टावर दोनों बुक है, द व्हाइट टाइगर एंड द लास्ट मैन इन टावर। किरण देसाई, किरण देसाई ने लिखा है हुलाबालो इन द गुआवा ऑर्चर्ड्स। ओके, हुलाबालो इन द गुआवा ऑर्चर्ड्स, और भी वो भी बहुत सारे बुक लिखा है लेकिन वो इंपॉर्टेंट बुक है मैंने लिया। विक्रम सेठ वो सूटेबल बाय द गोल्डन गेट टू लाइफ्स, मैं पहले भी दे दिया लेकिन दो टाइम रिपीट हो गया। ठीक है, आप लोग देख लीजिए ए सूटेबल बॉय द गोल्डन गेट टू लाइफ्स। अमिताभ घोष, अमिताभ घोष के द्वारा लिखे थे द ग्लास पैलेस, द ग्लास पैलेस रिवर ऑफ स्मोक। ठीक है दोस्तों, ये थे बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स जो कि मैं ट्रेडिशनल और मॉडर्न बुक्स बुक्स में भी लिखा है, जो आप लोग इसको नोट करके पढ़ाई कीजिए क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुक्स है, एग्जाम में बहुत बार आएगा। ठीक है दोस्तों, मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको, देखता हूँ आपका टेस्ट करता हूँ क्या याद किया। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने क्या लिखा है ना, दास कैपिटल एंड द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। दांते लिखा था द डिवाइन कमेंट, प्लेटो द रिपब्लिक, लियो टॉल्स्टॉय वार एंड द वार एंड पीस, आडा स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशंस, आर्कनायर मालगुल डेज, बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम, रामचंद्र गुहा इंडिया आफ्टर गांधी, इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी माइंड ट्रूथ एक्सटर्नल इंडिया, अमर्त्य सेन द अग्रुमेटिव इंडिया, एपीजे अब्दुल कलाम वो तीनों बुक्स है विंग्स ऑफ फायर इंडिया 2020 इग्नाइटेड माइंड्स, मेगास्थिनिस इंडिका आर्यभट्ट सूर्य सिद्धांत, विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस, अमर सिंह अमरकोश, विष्णु शर्मा पंचतंत्र, वात्सायन कामसूत्र, कौटल्य अर्थशास्त्र, अश्वघोष बुद्ध चरित्र, बराहमीर द ब्राइट संहिता एंड द पंचतंत्रिका, चारक चारक संहिता, कालिदास अभिज्ञान संकुतला, विक्रम भाष्याम, रघुवंशम मेघदूत कुमार सभाम्भव, पाणिनि अष्टाध्यायी, जयदेव गीतगोविंद, फिरदोसी शाहनामा, तुलसीदास विनय पत्रिका, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, तुलसी दोहावली, इसके बाद भास्कर टू लीलावती, बाणभट्ट कादंबरी, हसचरित रत्नावली, पतंजलि महाभाष्य, बीरसेना नवरत्न, कल्हण राजतरंगिणी, भरत भद्रमुनि नाट्यशास्त्र, अब्दुल फजल
अकबरनामा आइन अकबरी अकबर बाबरनामा गुलबन बेगम हुमैन नामा स्वामी दयानंद सरस्वती श्रीमद् भगवत गीता सत्यार्थ प्रकाश द वैल्यू ऑफ वैल्यूज रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि महात्मा गांधी यंग इंडिया हिंद स्वराज एंड माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ अरविंद घोष द लाइफ डिवाइन अब्दुल कलाम आजाद इंडिया विंस फ्रीडम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड प्रेमचंद गोदान निर्मला गबन आर वेंकटरमण माय एक्सपेरिमेंटल ईयर माय प्रेसिडेंटल ईयर्स नारायण पंडित हितोपदेश विक्रम सेठ सुटेबल बॉय द गोल्डन गेट एंड इक्वल म्यूजिक स्वामी विवेकानंद माय मास्टर द ईस्ट एंड द वेस्ट कंप्लीट वर्क लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोरा श्री राजगोपालचारी महाभारत रामायण उपनिषद चेतन भगवत हाफ गर्लफ्रेंड वन इंडियन गर्ल द थ्री मिस्टेक ऑफ माय लाइफ प्रतिभा राय जाग्ञसिनी आदिभूमि शीलपद्म रस्किन बॉन्ड दिल्ली इज नॉट फार द नाइट ट्रेन एट देवली द ब्लू अम्ब्रेला अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरविंद आदिग्या द व्हाइट टाइगर्स द लास्ट मैन इन टावर किरण देसाई हुला बोलो इन द गुआबा ऑर्चिड्स विक्रम सेठ ए सुटेबल बॉय द गोल्डन गेट टू लाइव्स अमिताभ घोष द ग्लास पैलेस रिवर ऑफ स्मोक। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप लोग इसको पॉज करके नोट कीजिए और आपके दोस्त के साथ भी शेयर